हे गुरु जी, एक ओंकार सतगुर प्रसाद सोरठ महला पंजवा। प्रभु की शरण सगल पहलाथे, दुख बिनसे सुख पाया, दयाल हुआ पार ब्रह्म स्वामी, पूरा सतगुर ध्याया। प्रभु की शरण सगल पहलाथे, दुख बिनसे सुख पाया, दयाल हुआ पार ब्रह्म स्वामी, पूरा सतगुर ध्याया। प्रभु जियो तू मेरो साहिब दाता, कर कृपा प्रभु दीन दयाला, गुण गावो रंग राता रहाओ। सतगुर नाम निधान दृढ़ाया, चिंता सगल विनाशी, कर कृपा अपनो कर लीना, मन वस्या अविनाशी। ताको विघ्न न को लगे, जो सतगुर अपने राखे, चरण कमल बसे हृदय अंतर, अमृत हर रस चाखे। कर सेवा सेवक प्रभु अपने, जन मन की अच्छ पुजाई, नानक दास ताकै बलहारै, जिन पूरन पैजर खाई। कर सेवा सेवक प्रभु अपने, जिन मन की अच्छ पुजाई, नानक दास ताकै बलहारै, जिन पूरन पैजर खाई। सतगुर प्रसाद सोरठ महला पंजवा। घर दूजा मात गर्भ मैं आपन सिमरन दे, तह तुम राखन हारे, पावक सागर अथा लहर मैं तारो तारन हारे। मात गर्भ मैं आपन सिमरन दे, तह तुम राखन हारे, पावक सागर अथा लहर मैं तारो तारन हारे। माधो तू ठाकुर सिर मोरा, इहां उहां तुहारो तोरा रहाओ, कीते को मेरे समाने, करनहार त्रिन जाने। तू दाता मांगन को सगली, दान दे प्रभ भाने, खिन मैं अवर खिने मह अवरा, अचरज चलत तुम्हारे। रूड़ो गूड़ो गैर गंभीरो, ऊंचो अगम अपारे, साध संग जो तुम्हें मिलायो, तो सुनी तुम्हारी बाणी, आनंद भया पेखत ही नानक, प्रताप पुरख निर्बाणी। साध संग जो तुम्हें मिलायो, तो सुनी तुम्हारी बाणी, आनंद भया पेखत ही नानक, प्रताप पुरख निर्बाणी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। Thank you.
ਸਤਿਗੁਰ ਨਿਤਾਣਿਓ ਕੇ ਤਾਂ ਨਿਓਟਿਓਂ ਕੀ ਓਟ ਨਿਆਸਰਿਓਂ ਕੇ ਆਸਰਾ ਜਪ ਤੁਧ ਨਿਰੰਕਾਰ ਪਰਮ ਪਉ
बख्शीश मन मोहे
रंग टमक भेरिया मन लथे लेंदे फेरिया निहत्ते पंज जुआन में निहत्ते पंज जुआन में गुर था पी दिती कंड जियो गुरमुख ला ले गए गुरमुख ला ले गए नहा ले गए नहा ले गए नहा ले गए नहा ले गए Yeah.
संत नाम के वणजारे सांझी करो नाम तन खाटो गुर का शब्द विचारे सांझी करो नाम तन खाटो गुर का शब्द विचारे छोड़ो कपट होए निर्वैरा सो प्रभ संग निहारे सच तन वन जो सच तन सिंचो कभू न आवो हारे खात खर्चत किच निखुटत नाही अगणत परे भंडारे को नानक शोभा संग जाओ पार ब्रह्म के द्वारे पार ब्रह्म के द्वारे गुरुमुख ला ले गए गुरुमुख ला ले I
ਦਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੁਇ ਦਾਈ ਦਾਇਆ ਖੇਲੇ ਸਰ ਜਗਤ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਵਾਚੇ ਧਰਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਸਾਲਾਨਾ ਯਾਦ ਹੈ, ਮਿੱਠੀ ਯਾਦ ਹੈ, ਪਿਆਰੀ ਯਾਦ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ। ਅਖੰਡ ਪਾਠਾਂ ਦੇ ਭੋਗ ਪਏ ਹਨ, ਉਪਰੰਤ ਕੀਰਤਨ ਹੋਇਆ, ਅਰਦਾਸ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਰੇ। ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਸੇਵਕ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਦਰ ਤੋਂ ਬੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਮਰਤਾ ਸੀ, ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰਮ ਪੂਜਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪਰਮ ਪੂਜਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਦਿੱਲੀ, ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਇਹ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਾਰੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ, ਭਾਵੇਂ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਈਏ, ਭਾਵੇਂ ਜਦੋਂ ਆਈਏ, ਕੋਈ ਗਰਮੀ ਹੈ, ਸਰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸੇਵਾ ਔਰ ਸਿਮਰਨ ਔਰ ਪਿਆਰ, ਇਹ ਪਿਆਰ ਖੱਟਿਆ। ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਵੀ। ਤੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਪਰਮ ਪੂਜਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਸੇਵਕ ਸਨ ਆਪਣੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਨਿਮਰਤਾ ਸੀ, ਔਰ ਇਸ ਦਰ ਤੋਂ ਬੜੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਲਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਲਈਆਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੋਂ, ਬੜੇ ਭਿੱਜੇ ਹੋਏ। ਤੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਧਨਵੰਤ ਨਾਮ ਕੇ ਵਣਜਾਰੇ, ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ ਨਾਮ ਧਨ ਖਾਟੋ, ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰੇ, ਸੋਡੋ ਕਪਟ ਹੋਏ ਨਿਰਵੈਰਾ, ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਸੰਗ ਨਿਹਾਰੇ, ਸੱਚ ਧਨ ਵੰਝੋ ਸੱਚਨ ਸੰਚੋ, ਕਬੂ ਨ ਆਵੋ ਹਾਰੇ, ਖਾਤ ਖਰਚਤ ਕਿਸ ਨ ਖੁੱਟਤ ਨਾਹੀਂ, ਆਗੰਤ ਭਰੇ ਭੰਡਾਰੇ, ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸੋਭਾ ਸੰਗ ਜਾਵੋ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੇ ਦੁਆਰੇ, ਧਨਵੰਤ ਨਾਮ ਕੇ ਵਣਜਾਰੇ। ਇਸ ਯੁੱਗ ਮੇਂ ਸੋਭਾ ਨਾਮ ਕੀ ਬਿਨ ਨਾਵੈ ਸੁਭ ਨ ਹੋਏ, ਮਾਇਆ ਕੀ ਸੋਭਾ ਚਾਰ ਦਿਹਾੜੇ,
जन दी विलम न होए। जिन्हां ने नाम धन कटिया है विच दुनिया सेवा कमाई है तां दर के बैसन पाई है कौ नानक बहन लड़ाई है। जिन्हां ने गुरु घर की सेवा की है सेवा ते सिमरन दो फर ने इस जीव दे संसार समुद्र तो भव सागर तो पार लगाने वास्ते और जिस दे कोल दोनों ही फर होन सेवा का भी ते सिमरन का भी ते फिर वो बेशक दरगाह नूं बाहां लड़ाउंदा जावे बाहां मारदा जाइए उसनों फिर किसी की झेब ते परवाह करन दी लोड़ नहीं। ये गुरु साहब ने कृपा बख्शी कीती है। गुरु घर की सेवा बिना भागां तो सेवा नहीं प्राप्त होंदी। बथेरी दुनिया तुरी फिरदी है भज्जे दे कोई पूर्वले कर्म चंगे होण उही गुरु घर वल ऐसे ख्याल ते विचार लैके चल सकदा है। ये संसार एक दुनिया का खेल तमाशा है। ये जड़ा संसार ते आना है जीव आंदे ने जो जन्मे सो जानो मुआ। जड़ा संसार ते आया उसने एक दिन इतों कूच कर जाना है। जब लग तेल दिया भुख बाती तब सुझे सब कोई तेल जले बाती तैरानी सुन्ना मंदर होई। रे बोरे तद करी न राखे कोई तो राम नाम जप सोई। ड्योड़ी बैठी माता रोवे खटिया लै गए भाई लक्ष टकाए त्रिया रोवे हंस अकेला जाए। इतना के संबंध है कि सिर्फ जदों ये जीव आत्मा विच्चों चली जाती है तो बाद विच ते कोई घड़ी भी रखन इस शरीर नूं तैयार नहीं। माता जिसने जन्म दिता जिसने गंद मूह सुटिया पालन पोषणा की वह भी सिर्फ इतना ही की कर सकती है कि ड्योड़ी ते बैठी रो सकती है कुरला सकती है। भाई सिर्फ इतों तक कर सकते ने अस्थी नूं शमशान घाट तक ले जा सकते ने और घरवाली केस खिलार के वैन पा सकती है कर वह भी कुछ नहीं सकती। इतना संबंध है। गोए ले आया गोयली क्या तिस डंप पसार मोहलत पुन्नी चलना तू संभल घर घर हर गुण गाए मला तू सतगुर से प्यार क्या थोड़ी बात कमा। ये जीवन ऐसा दसिया कि जिमें गुजर लोग पहाड़ी इलाकों तो मैदानी इलाके आते हैं जो ज़्यादा ठंड पैंदी है पशुओं नूं लैके तो वह आके कखां दियां कुलियां झौंपड़ियां च रहिंदे ने। किसी ने पुछया कि तुसीं अपने पक्के मकान क्यों नहीं बना लैंदे तुसीं कच्चे मकानां च रहिंदे हो झुग्गियां कुलियां च रहिंदे हो। कहिंदे पक्के ते तां बणाईए जे असीं सदा इत्थे रहना होवे। ऐस तमाशे इत्थे आ दूसरे पता नहीं कित्थे होना है। इतनी एक जीव दी होंद आ कि इस संसार ते आया ये पता नहीं अगला मत जापे सा आवे कि ना आवे। इतना ही है तो निश्चा जो है साडा भरोसा जो है और टेक है प्रभु परमात्मा ते होने चाहिए। गोयल आया गोयली जैसे दंप पसार मोलत पुन्नी चलना तो संभल घर बार हर गुण गाए मना सतगुर से प्यार क्या थोड़ी बात कमा। जैसे रहन परौने उठ चले छे प्रभात कोई परौना घर विच आउंदा है तो रात कटदा है तो सवेरे अपने घर चाले पा जाता है। इतनी कदी होंद आ जे एक दिन रह पू दो दिन रह पू फिर उन्हों वापस परतना पड़ता है। इस तरह जीव का इस संसार ते आना जैसे रहन परौने उठ चले जै चल से प्रभात क्या तू रत्ता गृहत छो सा फुलां की वागात। जड़ा गृहत दे विच पसारा लैके बैठ जाना ये एक फुल दी दियाई है। कोई सवेरे कोई व्यक्ति बाग विच गया फुल बड़ा सुंदर खिलिया सी
गुलाब का उहदे उत्ते त्रेल पई सी। त्रेल दे तवके जिहड़े सन उह मोतियां दी तरह चमक रहे सन। इंज लगदा सी जिवें उहदे हंझू वह रहे ने, मुल्ले तरह चमक रहे सी। फुल नूं सवाल कीता कि तेरे ते कितना जोबन आ, कितना तू सुंदर है। अज जिहड़े तेरे हंझू वह रहे ने तो मैनूं इन्ना तो दस तेरे खुशी दे दे कि गमी दे दे। जदों ज़्यादा बंदा खुश हुंदा तां वी हंझू वह जांदे ने, तो जदों गमी आउंदी उदों तो वह नहीं। तो अग्गों फुल ने जवाब दिता, ये खुशी दे गम हंझू नहीं, ये गमी दे हंझू ने। कहता इन्ना जोबन तेरे ते, इन्नी सुंदरता, इतनी तेरे विच महक, अजे भी तेरे वे अंदर गमी। कहता इस करके कि मेरा बेशक जोबन आ इस वेले, मेरे ते सुंदरता है, मैं टहक रहा हाँ, महक आ रही है, तो पता नहीं किन्ने हुणे आउणा ते मैनूं तोड़ के लै जाणा। ऐसा ये जीवन है, ये जड़े सवास ने, मत जापे सा आवे के ना आवे राम। जैसे रहन परौने उठ चल छे प्रभात, क्या तू सुत्ता ग्रत छो सा फुल्लां की बागात। मेरी मेरी क्या करे जिंदी है सब छो प्रभ लोड़, सर पर उठी चलां सल जासी लाख करोड़। अमल सरानू लेखा देना, ये जो जिंदगी का सफर है, अमल सरानों लेखा देना आए दूत कठन जम लेना। क्या त्या खटिया कहाँ गवाया, चलो सताब दीवान बुलाया, चरदर हार दीवान बुलाया, हर फरमान दरगे का आया। एक दिन जाना है, पता नहीं कि वेले हुक्म हो जाना जानता, हर फरमान दरगे का आया। दरगाह चो हुक्म आ गया, सदा आ गया भी जाना पैना। तो अग्यों जीव की कहिंदा करूँ अरदास गाँव किस बाकी। अरदास करदा जमदूत लैण आउंदे ने, अरदास करदा कि मेरे कुछ पिंडां चो पैसा इकट्ठा करन वाला है, तो जे मैनू कोई थोड़ा जिहा समा दे दिओ तो मैं सारा पैसा इकट्ठा कर लवां। कहिंदा करूँ अरदास गाँव किस बाकी, लिहूं रबेड़ आज की राती। कहिंदा मैं रात दे दो, मैं जितना पैसा धन इकट्ठा करांगा। कहिंदा किस भी खर्च तुम्हारा सारूँ, उहदे विचों अद्धा तुहानूं दे दूंगा ते अद्धा मैं आप रख लूँगा। देखो उत्थे भी व्यापारक करदा है, सौदेबाजियां करदा है, ते कहिंदा अद्धा मैं तुहानूं दे देवांगा ते अद्धा मैं आप रख लूँगा। ये नहीं पता कि अगला भी सवास लैण दा हुक्म है जां नहीं। तेरे को ते इदां भी समां नहीं कि अगला भी सवास तेनों आन देना कि नहीं आन देना। इतों तक इस जीवन की होंद है। और जिन्हां ने गुरु घर की सेवा की, गुरु घर दियां बख्शां लईयां, नाम जपिया, सिमरन विच जुड़े, ओ लाहा खटके गए, गुरमुख लाहा लै गए, मनमुख चले मूल गवाए। जिहड़े गुरमुख ने, गुरु के प्यारे ने, ओ लाहा खटके जाते ने। अज भाई मनजीत सिंह जी जिन्हां दी याद विच आपां जुड़े हाँ, उन्हां दे भरा परिवार इत्थे पहुँचे भी ने, उन्हां नूं भी जी आया। भाई मनजीत सिंह एक ऐसा व्यक्ति जिसने तन देही दे नाल इस घर की सेवा की। दीवान हाल की सेवा चल रही सी, जिहड़ा मुख दरबार दे विच सचखंड दे मूहरे दीवान हाल है, जिथे पूर्णमासी दे जां वड्डे दीवान लगदे ने। तो जदों सेवा चलती सी, जिहड़ा हाल बढ़िया, मेरा ख्याल पंजाब विच एडा हाल नहीं कोई होना, एडा वड्डा हाल है। तो दिन रात कम चलता सी। तो इन्हां दिनां दी गल है, सर्दियां दी गल, ऐही दिन सन और दिसंबर दे लास्ट डेटां सन। धुंद इतनी पई, बहुत ज़्यादा धुंद, कोई गां
दस फुट से बंदा नहीं सी नज़र आता। रात को कार से आया, कोई दो बजे का टाइम से गड्डी भी नहीं सी चल रही, तो वह भी रात में आके खराब हो गई। रस्ते च गड्डी खराब हो गई, इतों नानक साहब तो कोई 8-9 किलोमीटर दूरी दे। कोई उस टाइम पर कोई बंदा ना, कोई बंदे की जात, कोई किसी पासे कुछ भी उसको प्राप्त ना हो। उस टाइम तो रात बेचारा गड्डी उत्थे छड़ के पैदल इन्नी धुंध विच इन्नी ठंड विच कल्ला, समा भी इतना भयानक, तो कल्ला नानक सर आया। उदो इन्ना टैलीफोन का भी इन्ना प्रबंध नहीं सी हुंदा। जदों आके दरवाज़ा खड़काया तो दास एकदम घबरा गया कि किवें बेचारा किवें पहुँचा है। फिर उसने सारी हकीकत दसी, तो फिर भी मन ते कोई टेंशन नहीं, कहिंदा मेरे नाल बाबा जी सन, इस करके मैनू कोई किसी तरह का खतरा नहीं। मतलब इतने इतने भयानक समय दे विच हुंदी उह विचरदा रहा। जिथे भी कोई चीज़ लैनी, एक बार मकराने जरूरत पै गई, मैं उन्हों टूंगया, मैं आखा जाके पत्थर लैके आ, उत्थे चला गया। मतलब सेवा विच हर वक्त तत्पर रहना। आवाज़ सुनी कि कदों मैनू बाबा जी दे घरों आवाज़ आवे सेवा वास्ते, तो नितनेम का इतना पक्का सी कि नितनेम किते तो बगैर कोई जल पानी भी नहीं सी चलता। जिवें भाई रविंदर सिंह जी दस रहे सन कि जदों अद्धी रात में कोई 12 बजे 1 बजे कोई आना, तो सारे सत्संगी एयरपोर्ट पर डीकरे होंगे सन, गेट के मूहरे खड़े होंगे सन, बाबा जी के स्वागत वास्ते सत्कार वास्ते हार ला के खड़े होना। जिन्हां ने गुरु घर की सेवा की, जिन्हां ने गुरु घर दीआं बख्शां शीशां प्राप्त कीतियां, बेशक शरीर करके साढ़े तो उल्ले हो जाते हैं, पर मन करके गुरु घर के तत्पर हम। वह बाबा जी तो कोई दूर नहीं, बाबा जी तो कोई विछोड़े च नहीं, बाबा जी के घर दे। बाबा जी कहिंदे ये सफ़र है, ये जन्मां जन्मात्रां तो लैके जे गुरु साहब आउंदे ने तो उन्हां दे सेवक भी उसे तरह आउंदे ने, महापुरख आउंदे ने उन्हां दे सेवक भी उसे तरह नाल चले आउंदे ने पीढ़ी दर पीढ़ी। ये तो कई जन्मां दी खेड है, पर जिसने निश्चा कर लिया, भरोसा कर लिया, उन्हें गुरु घर दीआं बख्शां शीशां प्राप्त कीतियां। भाई मनजीत सिंह तो बेशक अज कर साढ़े तो शरीर करके ओले ने, पर उन्हां दा जो प्यार वो कदी भुलण वाला नहीं, भुल नहीं सकता। बलहारी उन्हां दे परिवार तो बीबी जसकरन समुचा परिवार, बच्चियां हरलीन जसमीत सारा परिवार, उन्हां दे भरा उस तरह प्यार दा सबूत, प्रेम दीआं घड़ियां उस तरह विचारे, उस प्यार नूं मुख रख के हुण वी उस तरह चलदे ने। सतगुरु जी कृपा बख्शे कर, इस तरह इन्हों अपने चरणों के नाल हमेशा जोड़ के रखन, गुरु घर दीआं बख्शां शीशां इन्हों प्राप्त होंदिया रह। सो भाई अजीत सिंह जी बराए परिवार सब इस वेले जो सतसंगी जन चैनल के थ्रू जो टीवी ते सारा प्रोग्राम तक रहे ने देख रहे ने, समुचे सारे ही सतसंगी सेवकों का रिश्तेदारों का दास पठानकोट धन्यवाद करता है। रोम रोम रिणी है, आप इस तरह गुरु घर के नाल जुड़े रहना है, गुरु घर दीआं बख्शां शीशां आप प्राप्त करते रहना है। गुरु घर की बख्शीश ही सब तो वड्डी है। सो बाबा जी कृपा बख्शे करन, सारे ही सतसंगियां दे सिर ते मेहर भरिया हथ रखन, हमेशा अपने चरणों के नाल सबनों नूं जोड़ के रखन। सो कल नूं पूर्ण बारी मासी का दिहाड़ा है, और कल दिन वेले भी दीवान सजने ने, ते रात नूं रहन सभाई भी प्रोग्राम होना है, जो पूर्णमासी के श्री खंड पाठ साहिब प्रकाश ने उन्हां दे कल रात नूं भोग पैने ने, तकरीबन 6:30 बजे नवे महल्ले दे सलोक प्रारंभ होणगे। भोगां तों बाद आरती होएगी, भोगां दे शब्द पढ़े जाणगे, फिर कीर्तन दरबार रैन सभाई चलेगा, जिहदा जो भोग है तकरीबन अगले दिन सवेरे 7:45 बजे समाप्ति होंदी है। सो अमृत संचार भी होना है,
जड़े अबलाखी अमृत देने वह आके अमृत की दात भी प्राप्त करन। और इत्थे कैंप भी चल रहे ने मेडिसिन कैंप, जो हर बीमारी का इत्थे डॉक्टर पहुँचता है बाबा डन सिंह चैरिटेबल हॉस्पिटल विच। और नाल ही जो ब्लड बैंक कैंप वो भी लगेगा, तो हर तरह का इत्थे जो सिस्टम चल रहा है। अज भी जिहड़ी कार सेवा चल रही है उसका एक पोर्शन का अज लेंटर पाया गया, अज पै रहा है, लगे हुए ने मिस्त्री। सो नाल कार सेवावां भी चल रही ने, बिल्डिंगां दी सारी हो रही है, गड्डियां दी पार्किंग, लंगर हाल और बहु मंजिली जो इमारत बननी है जिहदे विच संगतां नूं बहुत ज़्यादा सहूलत हो जानी है। सारे गुरमुख प्यारे वत वत संजोग दे के तन मन धन दे नाल सेवा करके गुरु घर विच हाजरियां लगवाओ, गुरु घर दीआं खुशियां शीशां प्राप्त करो। फिर दास भाई मनजीत सिंह समुचे परिवार का जो धनवाद करता है, जिन्हां ने उस प्यार नूं मुख रखदिआं होइआं इस घर दे नाल जुड़े हुए ने। अगले जो पाठ ने तकरीबन 7:15 के करीब प्रारंभ किए जाने ने, तो वो भी सारे ने देश विदेशों में बैठी संगत समय का ख्याल रखना, तो अरदास में शामिल होना। भाई धर्मिंदर सिंह जी 5 मिनट दिहाई लगाउणगे, 2-4 मिनट भाई हरदेख सिंह जी भी बोलणगे, तो फिर अगले प्रोग्राम की जो उड़ीक करनी है। प्यार सिंह फतेह बुलाओ, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭਾਈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਮਿੱਠੀ ਯਾਦ ਮਨਾਉਂਦਿਆਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਦਾਸ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣੂ ਸੀ ਅਤੇ ਬੇਤਦਾਦ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਤਾਂਘ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਥੋੜ੍ਹਾ, ਬਹੁਤਾ ਕਹੀਏ ਬਹੁਤਾ ਹੋਏ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਵੀ 1970 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ, ਅਤੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਨਾਨਕਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਭਾਈ ਮਨਜੀਤ ਸੋਹਣੀ ਦਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਤੁਰ ਪਏ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀ। ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਿਠਾ ਦਿਓ, ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਨਾਨਕਸਰ ਹੀ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਠਾ ਲਓ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਪਿਪਲੀ ਆ ਕੇ ਗੱਡੀ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਟਰੱਕ ਨਾਲ ਮੈਟ ਅਤੇ ਫੀਟ ਗੱਡੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਚੀਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਕੀ ਆਪੇ ਰੱਖੈ ਆਪੇ ਨਾਮ ਜਪਾਵੈ, ਜੈ ਜੈ ਕਾਜ ਕਿਰਤ ਸੇਵਕੀ ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਉੱਠ ਧਾਵੈ, ਸੇਵਕ ਕੋ ਨਿਗਟੀ ਹੋਏ ਦਿਖਾਵੈ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਗੱਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰੋਕ ਕੇ
भाई मनजीत सिंह ने पूछा कि तुसी आपदा देखो कि ते सट ता नहीं लग गई, क्योंकि जदों शरीर गर्म हुंदा है उदों सट का पता नहीं लगता बाबा जी आदे। पर असी तीन जाने सी, मैं ते मनजीत सिंह ते एक सिंह होर सी साडे नाल, पर बाबा जी ने सानू ऐ फुल्ला मंगू रखिया। तो बाबा जी कहन लगे भी हुण मनजीत सिंह गड्डी दा की करांगे। कहन लगे बाबा जी इत्थे आपां गड्डी कढ़िया जाने हैं ते नान सरदा ने मैं दर्शन मेला करावांगा ते नए आप दी संगत हो जाएगी। ऐसा मन विच चा सी ते बाबा जी आदे भी गड्डी दा कोई खतरा तो नहीं। कहन लग्या महाराज जदों आप जी राखे हो ते गड्डी नूं की हो रही है। इन्नी सरदा भावना प्यार हमेशा, ये नहीं भी दो चार महीने जा साल भर ता जिंदगी ज्यों जुड़िया। धन धन बाबा साधु सुणा दे चरणा दा ओट आसरा लैके हमेशा लई सेवा च तत्पर रहिंदे। दास तो कोई भी लफ जैसा गलत निकल गया होवे खिमा दा जाचका बुलाओ फतेह। हुण साडे बहुत ही सत्कारयोग भाई धर्मिंदर सिंह जी मिठी रसना तो आपां नूं बचन सुनाउणगे। बुलाओ फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। गुरमुख जन्म सवार दरगह चलिया, सच्ची दरगह जाए सच्चा पिड़ मलिया। आप सरबत संगत रिश्तेदार साख संबंधी संगती रूप दे विच जितने भी बैठे हो, सरदार मनजीत सिंह होना दे परिवार चों सारे, अज उन्हां दी अंतम अरदास वजों सतगुरां अगे अरदास जोदरी करन वास्ते जुड़ बैठे हो कि सतगुरु महाराज उन्हां नूं अपने चरणा दे विच निवास बख्शन। जिन्हां ने महापुरखां दी संगत कीती होवे ओ नाम रतियां रूहां, तन तन बाबा साधु सिंह जी जिन्हां ने संगत कीती है, महापुरखां दीआं बख्शिशां प्राप्त कीतियां है, उन्हां दा जीवन जिउंदे जी ही सफल हो चुकिया सीगा। सो अज सरदार मनजीत सिंह दी याद च आप सरबत संगत जुड़ बैठे हो। सतगुरां ने इस जीवन दे संबंधी इंसान नूं उपदेश भी दिता है। कबीर मानस जन्म दुलंब है होए न बारों बार। हे मनुख, ये मनुखा जीवन बड़ी मुश्किल दे नाल तैनूं मिलदा है, ते ये मनुखा जून एक सरदारी दी तरह है। जितनिया भी होर जूना हन सारिया इस दियां गुलाम हन। ये इंसान जे तेनू मनुखा मिन दुनियावी तौर ते मिलिया है, जिथे तू दुनियावी कार्य करने हन याद रख, उत्थे तू परमात्मा दे नाम नू भी जपना है। ये मनुखा जन्म तेनू परमात्मा दे नाम रादन वास्ते मिलिया है, ते तेरा जीवन ता ही सफला है जे तू परमात्मा दे इनाम नू रादेंगा। बारह बरस बालपन बीते, बीस बरस कस तप न कियो, तीस बरस कस देव न पूजा, फिर पछताना जब बिरध पियो। बारह साल बचपन दियां खेडां च चले गए, बीस साल दा होया तां तैनूं इह नहीं पता कि तेरा रब कौन है, तेरा गुरु कौन है। वडभागे ने जिहड़े अमृत पान करके गुरु वाले बन जाते हैं। बीस बरस कछ देव ना पूजा, फिर पछताना जब बिरध पियो। तो जदों बुढ़ेपा आ जाता है फिर पछतावे तो बिना तेरे पास कुछ नहीं रह जाता। इंसान समझ जे तेन मनुखा दे ही मिली है तो तू परमात्मा दे नाम नूं भी आराधना है। सतगुरां ने इस इंसान की कैसी रचना कीती है? ओ सर्व शक्तिमान परमात्मा इंसान नूं जन्म दिंदा है, पैदा दिंदा है। मां दे रक्त पिता दे बिद तों
माता दे गर्भ दे विच इस मनुख दी रचना करदा है। ते देखो कुदरत ने कैसा निजम बनाया है। बच्चा मां दे गर्भ च जन्म लेंदा है ते नाड़ू दे राही जो माता खांदी है बच्चे नूं लगदा है परमात्मा ने कविद बनाई है। माता पिता दे मिलाप तो संतान उत्पन्न हुंदी है। ये परमात्मा दी कुदरत बनाई एक साजी है परमात्मा ने। ते ओ मां जिस दे गर्भ दे विच 9 महीने बच्चा रहिंदा है ते गुरबाणी कहिंदी है कि 9 महीने पुट्ठा लटकदा है तो उस परमात्मा दे नाम नूं अराधदा है, सवास वास रावदा है। उस गर्भ दे विच परमात्मा उसकी रक्षा करता है। गर्भ दे विच रहिंदियां तां इंसान परमात्मा दे नाम नूं रावदा है ते जो दुनियादारी दे विच आउंदा है ते परमात्मा नूं भुल जांदा है। ये इंसान दुनियादारी च आके तू परमात्मा दे नाम नूं याद रख्या कर। ते जेड़ा परमात्मा दे नाम नूं याद रखदा है ना उसदा ही जीवन सफला हुंदा है। सचे पातशाह धन गुरु नानक दुनिया नूं तारदे तारदे पटने दी धरती दे नेड़े जदों जंगलां दे विच छपरे दे कोल रंग रहे सन तां भाई मरदाना जी ने बेनती की, सतगुरु केड़े राहे को राहे लई फिरदे हो, मैनूं भुख लगी है, तुरिया नहीं जा रहा। सतगुरु ने बचन किया कुछ समा ठहरो, शहर आने वाला है, तुहानूं कुछ ना कुछ शिकायत देवांगे। भाई मरदाना जी बेनती करन लगे, सतगुरु साढ़े किहड़े पल्ले पैसे बन्ने हन जो सानूं शहरों कुछ खाण लई मिल जाएगा। सतगुरु ने वचन किया कि हिम्मत रखो, चलते चलो, सतगुरु तुहानूं पल्ले भी बन देणगे। तुरे जा रहे ने रस्ते दे विचों एक हीरा मिल पिया, लाल मिल गया। सतगुरु ने कहा भाई मरदाना जी हुण इसनूं पल्ले बन लो। शहर पहुंचे ने सतगुरु ने कहा जाओ हीरे दा मुल पवा के लियाओ। भाई मरदाना जी बाजार दे विच जांदे हन, दुकानदार दे कोल एक सब्जी वाले को पहुंचे तो उसने इस दे बदले 2 मूलियां दे दित्तियां। होर किसे दुकानदार कोल पहुंचे तो उसने कुछ आने दे दित्ते। पहुंचते पहुंचे स्वस्थ जोरी दे कोल पहुंचे तो जदों उसने ये हीरा देखिया तो उसने दर्शनी भेटा दे दित्ती। तो जदों भाई मरदाना जी दर्शनी भेटा लैके सतगुरां अगे हाजरी लगाउण लगे, सतगुरां ने कहा है कि भाई मरदाना जी ये तुहाडियां शंकां दी निवृत्ती है। इस हीरे दी असली कीमत भी स्वास जोरी ने पाई है। इस तरह एक इंसान दा जीवन है जित दी असली कीमत परमात्मा दा बख्शिया होया ही इंसान पा सकता है। यह जीवन एक हीरे दी तरह है ते विरला ही है जो इस हीरे नूं पछाण के इस मनुखा जन्म दे विच वाहिगुरु दा नाम जपदा है। ते जा चला जाओ, जिसने दर्शनी पेटा सो दित्ती है उसनूं वापस करके आओ। भाई मरदाना जी जद वापस जोरी दे कोल गए तां जोरी ने जदों 100 रुपया वापस लैणा ना चाहिया, कहा कि ये तो मैं दर्शनी भेटा दित्ती सी, पर मन दे विच एक गल याद आई कि कितना वह त्यागी होवेगा जिसने 100 रुपया लैण तों वी इनकार कर दिता। भाई मरदाना जी नूं बेनती करन लगे कि तुहाडा कोई रब्बी रूह दे नाल ही मेल होवेगा, कोई त्यागी तपस्वी भी होएगा, मैनू भी दर्शन करा। तो तुहानू गुरु नानक पातशाह महाराज जी दे दर्शन कीते ते स्वास जोरी दी 10वीं पीढ़ी धन गुरु गोबिंद सिंह जी दे पास खत्री राजा सतगुरु जिस दियां राणी दे कोल घुंगणियां छकणियां करदे सन ओह होया सीगा। एक पल खिन मात्र प्रभु दे नाम नूं जीवन दे विच जपिया ते अज जन्मा जन्मांतरां पीढ़ी दर पीढ़ी सतगुरु ने सारियां दे लेखे कट दित्ते। स्वास जोरी ने अपने जीवन रूपी असली हीरे की पहचान की। तो साध संगत ये मनुखा जन्म बड़े भागां दे नाल मिलदा है ते मनुखा जन्म दे विच जिथे दुनियादारी दे कार्ज करने हन उत्थे परमात्मा दे नाम नूं भी याद रख। पता नहीं किहड़े समें इंसान तेरा अंत आ जाना है। अंतकाल जो नारायण सिमरे पद तलोचन ते नरमुखता पे तंबर वाके हृदय वसे। गुरबाणी नूं पढ़िए तां सतगुरां ने एक एक जीवन दे विच जो इंसान कम करता है तो सतगुरु ने समझाया है कि इस दुनिया दे विच आके तू जैसा कम करेगा तैनू वैसा ही फल मिलेगा।
ते जेड़े अंत समय दे विच परमात्मा दे नाम नू याद रख के इस दुनिया तो चले जाते हैं। अंतकाल जो नारायण सिमरै पद तिलोचन ते नर मुक्ता पितंबर वाके हृदय वसे उन्होंने जन्मां जन्मांतरां दे बंधन कटे जाते हैं। तो सतगुरां ने जीवन दे विच उन्हां बारे भी समझाया जो माड़े कर्मां दे विच फस के जाते हैं। अंतकाल जो लड़कै सिमरै ऐसी चिंता में जो मरै प्रेत जोन वल वल उतरै। अंतकाल जो सुकर सतगुरु समझाते हैं कि जेडे अंत समय दे विच अपने धियां पुत्रां दे बारे सोचते रहिंदे हन। अंत समय दे विच जो सोचते रहिंदे हन मैं इतने वड्डा घर बना लिया। अंतकाल जो मंदर सिमरै जिहड़ी यही सोच सोचते मर जाते हैं उन्हां नूं सूर की जोन मिलती है, उन्हां सप की जोन मिलती है। अंतकाल जो स्त्री सिमरै जो धियां भैणां ते माड़ी निगाह रखते हैं तो निगाह रखदे हन जान चली जाए मौत आ जाए ऐसे मनुख नू की जून मिलती है वेसवा जून वल वल उतरै। तो सतगुरां ने समझाया है कि जेड़ा प्रभु दे नाम नू याद रख के इस सवासा रूप पूंजी नू भोग के चढ़ा जाता है तो सतगुरु भी उन्हों अपनी दरगाह दे विच जगह देंदे हन। सो जिन्हां दी याद च भाई मनजीत सिंह सरदार मनजीत सिंह उन्हां दी याद च जुड़ बैठे हो जिन्हां ने बेंत बख्शिशां बाबा साधु सिंह पास महाराज जी तो लिया सारा जीवन संत बाबा लखा सिंह जी के बचना ते चल के अपने जीवन को सफला किया जो उन्होंने जात दे जुड़े बैठे हो। दास तो पहला सत्कारयोग महापुरख संत बाबा लखा सिंह जी हुणा ने उन्होंने जीवन संबंधी जो नाल समा बताया सी उस ते आप दे नाल संगत दे नाल सांझा किया है। जो साध संगत जी किसी साधु को बख्शिशा भी किसी नूं प्राप्त होंदिया हन। ये सरदार मनजीत सिंह जी का प्यार सीगा उन्हां दी शरदा सीगी बाबा लखा सिंह जी हुणा दे प्रति जिन्हां दे सदका बाबा लखा सिंह जी ने महापुरखां कोलों बेनतियां कर करके बेंत बख्शिशा इन्हां नूं प्राप्त कराइया और अज दरगाह दे विच भी उन्हां दी जगह बन गई है। सो सतगुरु अगे अरदास है कि इस तरह उन्हां दे शरीरक रूप जाण तो बाद उन्हां दा परिवार इस तरह ही गुरु दे नाल जुड़िया रहे पावन संपर्दा की सेवा करते रहे यही सतगुरु अगे अरदास है। सो जिथे पावन स्थान ते सतगुरां दी कृपा प्राप्त करन वास्ते श्री अखंड पाठ साहिबां दे जप चल रहे हन उत्थे नाल दी नाल इस पावन स्थान ते बहुत वड्डियां सेवावां जिवें कि आप जी नूं बेनती कीती सी कि अज जो कार पार्किंग दा लेंटर दी सेवा चल रही है हजारां ही संगतां उस दे विच आण के सेवा कर रही हन। सवेर तों लै के माघ महीना चल रहा भावें ठंड बहुत है पर संगतां दे अंदर भी अथाह शरदा है। अमृत वेले तों लै के संगतां सेवा दे विच जुटियां होईयां हन। हजारां ही संगतां इस माघ महीने रोजाना नतमस्तक होण वास्ते पावन स्थान ते आउंदियां हन और महापुरख बाबा लखा सिंह जी वल्लों हर एक आने वाले श्रद्धालुओं का आप जीवों आया आकर उन्हों की सेवा की जा रही है। आप महापुरखों वालों इन सेवावान के शिरकत करके संगतों को गुरबाणी के नाल जोड़िया जा रहा है उन्होंने समय को सफला किया जा रहा है। अमृत वेले आसा जी की वार सब तो पहला सुखमनी साहब जी का जाप पंज बाणियों का जाप होंदा है संगती रूप के उस तो बाद कीर्तन की संगत सरवण करती है और उस तो बाद भोग पैन तो बाद संगतां भोरा साहिब दे दर्शन करदे हन। सारा दिन जो पावन स्थान ते सेवावां चलदियां हन उन्हां विच संगतां हाजरियां भरदियां हन। जिथे महापुरखां वल्लों अध्यात्मिक तौर ते संगतां दा भला कीता जा रहा उत्थे दुनियावी तौर ते जिवें कि बाबा जी ने आप सरबत संगत नूं संबोधन करदिआं दस्सिआ सीगा कि रोजाना ही फ्री मैडिकल दवाइयां दा कैंप लगाया जा रहा है। हजारां ही संगतां नूं इस मैडिकल कैंप दे थ्रू दवाइयां फ्री वंडियां जांदियां हन। सो जिहियां बेनतियां सरबत संगतां दे चरणां 'च करन वास्ते दस खड़ा होया है उत्थे ही जो पावन स्थान ते बाबा आनंद सिंह बाबा ईश्वर सिंह जी चैरिटेबल हस्पताल चल रहा है उसकी रेनोवेशन की सेवा चल रही है उसकी इमारत का आधुनिकरण किया जा रहा है और नाल ही आने वाले समय दे विच इस दे विच नवे तरीके की टेक्नोलॉजी नाल दुनिया का इलाज संगतां का इलाज किया जाएगा जो दुनियावी तौर पर इत्थे इलाज कराने वास्ते आते हैं क्योंकि शरीरक इलाज कराना एक आम आदमी वास्ते बहुत औखा हो गया है।
ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਵੀ ਆਧੁਨਿਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਾਲ ਜੋ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 70 ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮੋਦੀ ਖਾਨਾ ਜੋ ਤਕਰੀਬਨ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ 200 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ PGI ਤਨਾਸ ਵਿਖੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਹਰਿਆਵਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੂਟੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਕਲਮਾਂ ਕੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਬੂਟਿਆਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਜੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਬਹੁ ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਬੇਸਮੈਂਟ ਲੈਂਟਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਭੇਜ ਕੇ ਹੱਥੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਫਾਸਟਵੇ ਨਾਨਕਸਰ 'ਤੇ ਨੰਬਰ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੇਨਤੀ, ਜੋ ਇਤਨੀਆਂ ਇਤਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮੋਦੀ ਖਾਨਾ, PGI ਵਿਖੇ ਚੈਰਿਟੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੰਗਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਠਹਿਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਫ੍ਰੀ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਤੱਕ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਸੇਵਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੀਮਿੰਟ ਵੀ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਜਰੀ ਰੇਤਾ ਜੋ ਵੀ ਅਧਿਆਤਕ ਸਮੱਗਰੀ ਹੈ ਭੇਜ ਕੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਔਨਲਾਈਨ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਭੇਜਣਾ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਸੇ ਪਰਸਨਲ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਾ ਭੇਜਣਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਲਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਨੰਬਰ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਫਾਸਟਵੇ ਨਾਨਕਸਰ ਉਸ 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਔਨਲਾਈਨ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ ਜੋ ਫਾਸਟਵੇ ਨਾਨਕਸਰ 'ਤੇ ਨੰਬਰ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਾਬਾ ਲੱਖਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਅਰਦਾਸ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇਗਾ, ਆਪ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨੰਬਰ ਹੈ 7009202206, ਇਸ 'ਤੇ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੇਨਤੀ, ਜੋ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਿਤੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾਨਕਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, 24 ਤੋਂ 26 ਤੱਕ ਸ਼੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਚੱਲਣਗੇ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਲੜੀਆਂ ਪਰ ਆਰੰਭ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਾਬਾ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਪਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੜੀ ਜੋ 24 ਤੋਂ 26 ਤੱਕ ਹੋਵੇਗੀ, 25 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਰਾਤ ਰਹਿਣ ਸਭਾਈ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, 26 ਜਨਵਰੀ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਸ਼੍ਰੀ ਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਭੋਗ ਪੈਣ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਮਹਾਨ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਪੰਥ ਦੇ ਮਹਾਨ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥੇ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨਗੇ, ਔਰ ਮਾਘ ਮੁੰਜਨ ਸੰਘ ਸਾਧੂਆਂ ਧੂੜੀ ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਇਸ ਮਾਘ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਸ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਗਵਾਉਣੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਬੇਨਤੀਆਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਾਬਾ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਪੰਥ ਦੀ ਔਰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਤਨੀਆਂ ਇਤਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਅਖੰਡ ਜਾਪਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਸ਼੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੜੀਵਾਰ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਵਕਤ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੇ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਉਣੇ, ਜਿਹੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਜ ਕਰਵਾਉਣੇ ਤਾਂ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਇਹੀ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਸੰਗਤ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨਾ,
यह वड्डे महापुरखों की चलाई रीति है जिस ते चल के महापुरख बाबा लखा सिंह जी संगत का भला कर रहे हैं। आओ आपां वी सतगुरु अगे अरदास करिए कि महापुरख इसे तरह ही पंथ की कौम की सेवा करते रहन, क्योंकि संगत की अरदास सब तो वड्डी हुंदी है। सतगुरु महाराज जरूर ही संगत की बोड़ी सुनते हैं। सो बोलदियां चलदियां कुछ वध घट बोलिया गया होवे, आप सरबत संगत बख्शण योग हो। कुछ समय बाद अगली लड़ी दे श्री अखंड पाठ साहिब की परंपरा होनी है और उस दे नाल ही एक श्री विशेष अखंड पाठ साहिब जो फर्स्ट वे नानकसर ते इस वक्त दो लिंक चल रहे हैं, जिस दे एक लिंक दे विच सरबत दे भले की अरदास दे जो अखंड पाठ चल रहे नूं उसका जिक्र है और दूसरे दे विच विशेष जो इस वक्त सरदार मनजीत सिंह उन्हां दे अखंड पाठ साहिब का प्रसारण चल रहा है। और इसे ते ही कुछ समय बाद माता सवर्ण कौर जो लंडन दे विच शरीरक यात्रा पो के परमात्मा के चरणों के चले गए हैं, उन्हों की याद के जो अखंड पाठ साहब चल रहे हैं उन्होंने परिवार वालों अज समाप्ति होनी है। अज श्री अखंड पाठ साहब उन्होंने याद परंपरा होगी उसका भी विशेष प्रसारण फास्टवे नानकसर चैनल पर किया जाएगा। सो कुछ समय बाद परंपरा होगी, हाजरी प्रवान करनी बिलाओ फतेह, आखो वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह।